हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्रीकल्चर सक्सेस भानी राम डाल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फील्ड क्रॉप के अंदर आज अपने डिस्कस करने जा रहे हैं काउपी, जो एक दलहनी फसल है जिसे हम सब्जी के रूप में भी काम में लेते हैं और फोडर के रूप में भी काम में लेते हैं। काउपी या फिर अपने इसको चौंला बोल देते हैं या फिर इसको लोबिया भी बोल देते हैं। तो आज अपने काउपी पर डिस्कस करेंगे, काउपी या लोबिया। देखो, बॉटनिकल नेम है इसका विग्ना एनगुकुलाटा या फिर विग्ना साइनेंसिस भी बोल देते हैं। अनग्विकुलाटा या साइनेंसिस में आप कंफ्यूज मत हो, ये दोनों ही स्पीसीज एक ही स्पीसीज को कहा जाता है। कहीं पे विग्ना अनग्विकुलाटा आ जाता है, कहीं पे विग्ना साइनेंसिस आ जाता है। तो बॉटनिकल नेम बोलेंगे अपने विग्ना अनग्विकुलाटा या फिर विग्ना साइनेंसिस। इसकी तीन स्पीसीज है जो जनरली अपने कल्टिवेशन के काम में लेते हैं और दो अपने वाइल्ड स्पीसीज भी है जो क्रॉप इंप्रूवमेंट में काम में ली जाती है, यानी फसल के सुधार में या प्लांट ब्रीडिंग पादप प्रजनन के काम में ली जाती है। अपने यहाँ बेसिकली प्लांट ब्रीडिंग का इशू नहीं चल रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन का इशू चल रहा है, इसलिए अपने जो फील्ड जो अपने लगती है खेत में कल्टीवेशन के लिए, उन्हीं स्पीसीज की बात करेंगे। तो इनमें है विग्ना साइनेंसिस, जिसको अपने काउपी बोल देंगे, मेनली ग्राउंड फॉर फोडर पर्पज, मतलब चारे की जो उद्देश्य से लगाई जाती है। देखो, यहाँ पे जो मैटर दिया हुआ है वो इंग्लिश में, लेकिन मैं प्रॉपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट के लिए इजी बनी रहे। तो विग्ना साइनेंसिस काउपी मेनली ग्राउंड फॉर फोडर पर्पज, यानी चारे के लिए लगाई जाती है। नेक्स्ट है विग्ना साइनेंसिस सब स्पीसीज की बात करें तो कैटजंग, इसको इंडियन काउपी बोलते हैं, ये मेनली फोडर पर्पज से ही लगाई जाती है। विग्ना साइनेंसिस सब स्पीसीज की बात करें तो स्क्विपीडिलस जो है इसको यार्ड लॉन्ग और एस्पेरेगस बीन भी बोलते हैं, मेनली जो है इसको यूज किया जाता है सब्जी बनाने के लिए, यानी ताजा फलियां हरी फलियां तोड़ के सब्जी बनाने के काम में लिया जाता है। फैमिली की बात करें तो लेग्यूमिनेसी या फेबियसी, दोनों एक ही फैमिली के नाम, लेग्यूमिनेसी को ही फेबियसी कहते हैं। उत्पत्ति स्थल है अफ्रीका और दुनिया में सबसे ज्यादा जो काउपी का प्रोडक्शन होता है, चौंला का जो उत्पादन होता है, वो भी अफ्रीका में ही होता है। नेक्स्ट है गुणसूत्र संख्या, क्रोमोजोम नंबर 2n = 22, यानी द्विगुणित गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, 22 होती है। अगुणित पूछ ले या हैप्लोइड पूछ ले तो कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। वैसे जनरली मैंने आपको पहला जब लेग्यूम क्रॉप करवाई थी उसमें बताया था लेग्यूम वर्ड कहाँ से आया है, पल्सेज वर्ड कहाँ से आया है, और उस समय मैंने आपको ये भी बताया था जनरली जो खरीफ की लेग्यूम्स है या खरीफ की दलहनी फसलें हैं उनमें मोस्ट ऑफ में क्रोमोजोम जो होते हैं वो 22 ही होते हैं। जैसे अपने कुल्थी को छोड़ दें या क्लस्टर बीन ग्वार को छोड़ दें, इनमें 14 होते हैं, लेकिन जो अपने करीब की बाकी जो लेग्यूम है, करीब की बाकी जो दलहनी फसलें हैं उनमें गुणसूत्र संख्या 22 होती है। और रबी की दलहनी फसलों में अधिकांश 14 होती है, कुछ एक को छोड़ के, जैसे राजमा को छोड़ दें या फिर अपने काबुली चना है, उनके अंदर 14 नहीं होती। तो मोस्ट ऑफ जो खरीफ की दलहन है उनमें गुणसूत्र संख्या 22 होगी और मोस्ट ऑफ जो अपने रबी की दलहन है उनमें गुणसूत्र संख्या 14 होती है। तो ये खरीफ की फसल है, दलहन के रूप में भी काम में लेते हैं, ताजा सब्जी के रूप में भी काम में लेते हैं, फोडर क्रॉप के रूप में भी अपने इसको काम में लेते हैं। इसका जो इन्फ्लोरेसेंस टाइप है यानी पुष्पक्रम का प्रकार है वो है रेसिम्स। टाइप ऑफ फ्रूट की बात करें तो दलहनी फसलों में टाइप ऑफ फ्रूट हमेशा ही क्या होगा, पोड बोले तो फली। लीडिंग स्टेट है वो काउपी प्रोडक्शन के अंदर, लीडिंग स्टेट है उत्तर प्रदेश। प्रोटीन परसेंटेज की बात करें, चावला में प्रोटीन परसेंटेज कितना होता है, 23% होता है। और भी अपने अगर एक्यूरेसी पे जाना चाहते हो तो ये 23.4% के आसपास होता है, लेकिन राउंड फिगर में अपने 23% ही बोलेंगे। नेक्स्ट काउपी में और अपने जनरली इंट्रोडक्टरी बात करें तो प्रोटीन रिसोर्स होता है, अपने बात कर ली थी, ताज़ा सब्जी बनाने के काम में भी लेते हैं, दाल बनाने के काम में भी लेते हैं, उसके अलावा फोडर क्रॉप के रूप में भी काम में लिया जाता है, कवर क्रॉप के रूप में भी काम में लेते हैं। कवर क्रॉप कौन सी होती है, जिसको अपने मर्दा रक्षित फसलें बोलते हैं, यानी सॉइल जो इरोजन होता है, मर्दा सरण होता है, मर्दा का जो कटाव होता है उसको रोकने के लिए जो फैलने वाली फसलें लगाते हैं, तो दलहनी फसलें कवर क्रॉप के रूप में लगाते हैं, तो काउपी एक मेन कवर क्रॉप में भी आती है। बाकी काउपी का जो ग्रेन है उसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का परसेंट होता है 60.3% और फैट का परसेंटेज होता है तो 1.8% तक फैट परसेंटेज इनमें होता है। मेनली तो खरीफ लेग्यूम है, लेकिन इसको जायद में भी लगाया जाता है और साउथ इंडिया साइड जाओगे तो आप इसको रबी में भी देखने को मिलता है। मेनली इसको खरीफ में लगती है, खरीफ के अलावा इसको जायद में भी लगाया जाता है, लेकिन कुछ एक ट्रैक में साउथ इंडिया के इसको रबी में देखने को मिलता है, रबी में भी लगाया जाता है, मेनली खरीफ सीजन ही होती है ये। लेकिन अपने मोस्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया की बात करें तो इधर अपने खरीफ और जायद दोनों में देखने को मिलती है। कवर क्रॉप के रूप में इसे लगाते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। डे न्यूट्रल क्रॉप है यानी दिवस निष्प्रभावी है।
फोटोफिरोडिज्म दीप्तकालिता का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें 8 से 14 घंटे के बीच में पुष्पन हो जाता है और मोस्टली अपने को इतने घंटे प्रकाश मिलता है हर सीजन के अंदर। तो 8 से 14 घंटे का जो प्रकाश का ड्यूरेशन होता है उसके दौरान इसमें पुष्पन हो जाता है। तो ये डेनुटल क्रॉप है और सी3 प्लांट है, सेल्फ पोलिनेटेड है। और टेस्ट वेट की बात करें तो वेराइटी के अकॉर्डिंग किसी में दाना छोटा है किसी में बड़ा है। तो टेस्ट वेट होता है इसका 35 से लेके 193 ग्राम तक होता है। टेस्ट वेट बोले तो अजहार बीचों के बाहर को टेस्ट वेट बोलते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें क्लाइमेट, देखो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की क्रॉप है और अपने ये बोल सकते हैं ज़्यादातर बढ़िया परफॉर्म जो करती है ये वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन में करती है, बोले तो उष्ण जलवायु में आर्द्र जलवायु में सबसे बढ़िया परफॉर्म करती है। इसके सीड जर्मिनेशन के लिए बीज के अंकुरण के लिए जो उपयुक्त तापमान होता है वो 12 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है और ग्रोथ के लिए वृद्धि के लिए यानी फसल की जो अच्छी वृद्धि हो उसके लिए उपयुक्त तापमान होता है वो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये पाले के प्रति संवेदनशील होती है, फ्रॉस्ट के लिए सेंसिटिव होती है, फ्रॉस्ट को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती है, पाला नहीं सहन कर पाती है। इसलिए अपने उत्तरी भारत में या फिर अपने केंद्र भारत सेंट्रल इंडिया की बात करें तो यहाँ पे रबी के सीजन में नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये फ्रॉस्ट सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा है। फ्रॉस्ट होते ही डैम मतलब पूरे का पूरा प्लांट विल्टिंग में चला जाता है, डेड हो जाता है। नेक्स्ट बात करें सॉइल मृदा, देखो सबसे बढ़िया जो परफॉर्म करेगा सैंडी लॉम सॉइल में करेगा यानी बलवी दोमट मृदा इसके लिए सबसे बढ़िया होती है। होने को ये 4.5 से 8 पीएच मान तक हो जाता है यानी अम्लीय मृदाओं से लेकर लवणीय मृदाओं तक हो सकता है, लेकिन सबसे बढ़िया जो वृद्धि होती है वो इसकी होती है 5.5 से 6.5 पीएच पे सबसे बढ़िया ग्रोथ करता है ये। नेक्स्ट अपने बात करें वैरायटी की, देखो वैरायटी के लेने के यहाँ पे 3 पर्पज होते हैं इसके, एक तो ताज़ा सब्जी बनाने के काम में लेते हैं, एक दाल के रूप में काम में लेते हैं, एक चारे के रूप में काम में लेते हैं। तो अब देखो कुछ पॉपुलर वैरायटी के अपने डिस्कस करें तो काशी गोरी और दुर्गा क्रांति दोनों ही ग्रीन पॉड प्रोडक्शन के लिए यानी सब्जी बनाने के लिए उपयुक्त है, हरी फलियों के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। पुसा फाल्गुनी है, ये एक बोनी किस्म है, ये भी ग्रीन पॉड के लिए हरी फलियों के लिए यानी सब्जी बनाने के लिए बढ़िया है। पुसा बरसाती नाम से ही पता लग जाता है रेनी सीजन के लिए बहुत ही बढ़िया है, रेनी सीजन के लिए सुटेबल होती है, ये ग्रीन पॉड प्रोडक्शन के लिए यानी वेजिटेबल सब्जी बनाने के लिए उपयुक्त किस्म है। पुसा दो फसली, देखो नाम दिया हुआ है दो फसली, इसका मतलब रेनी सीजन और ग्रीष्मकालीन यानी वर्षा ऋतु और ग्रीष्मकाल दोनों के लिए बढ़िया, रेनी और समर सीजन दोनों के लिए ही उपयुक्त किस्म होती है। ये जो 5 अपने वैरायटी की बात की है ये ताज़ा सब्जी बनाने के लिए या फिर मैं कहूँ हरी फलियों उत्पादन के लिए सबसे बढ़िया किस्म है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर किस्म है। और अगर अपने बात करें ग्रीन प्रोडक्ट ग्रीन पॉड के लिए हरी फलियों के उत्पादन के लिए तो पुसा ऋतुराज है, पुसा फाल्गुनी है, पुसा सावनी है, ये कुछ वैरायटियाँ हैं। नेक्स्ट है ग्रेन प्रोडक्शन के लिए यानी दाना उत्पादन के लिए बोले तो दाल उत्पादन के लिए T2, JC5, JC10, RS9, RC29, V16, Cowpea 74, Pusa 152, पुसा सावनी जिसको TS269 बोलते हैं, पुसा संपदा और रंबा GC3, वेमन 1, C152, V16 को अंबा भी बोलते हैं, उसके अलावा RC101, RC101 ये राजस्थान से 2001 में रिलीज की गई है, RC19 ये 1993 के अंदर राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो रीजनल रिसर्च स्टेशन है दुर्गापुरा वहाँ से विकसित की गई है, बहुत ही अर्ली वैरायटी है, 65 से 70 दिन में तैयार हो जाती है। और सिनोक्रोनस वैरायटी है, सिनोक्रोनस मैच्योरिटी है यानी एक साथ ही फलियाँ साथ में पक जाती है, बार बार तुड़ाई करने की अपने को जरूरत नहीं पड़ती है। आजकल दलहनी फसलों में बहुत सारी ऐसी वैरायटियाँ डेवलप हो गई है जिनकी अपने को एक ही बार हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है, तो वैसे ही RC19 है जिसकी एक ही बार हार्वेस्टिंग करेंगे यानी सारी फलियाँ एक साथ क्या हो जाती है मैच्योर हो जाती है। और फर्टर प्रोडक्शन यानी चारा उत्पादन के लिए FOS1 है, Series 10 है, रश्मि जाइंट है, ये कुछ चारा उत्पादन के लिए है। ड्यूल पर्पज दाना और चारा दोनों के लिए जो मतलब लगाई जाती है, पॉड लेने के बाद सूखा चारा जिनसे लेते हैं, COVU 702 है जिसको CO 71 भी बोलते हैं, FS 68 है, सवर्णा जिसको V 38 भी बोलते हैं, गोमती, पुसा कोमल, अर्का गरिमा और Cowpea 88 है, ये ड्यूल पर्पज वेराइटियाँ हैं। फॉर एरिड रीजन यानी शुष्क क्षेत्रों के लिए ड्रॉट एरिया के लिए है FS 68, RC 19, RC 101, C 152 यानी ये क्या ड्रॉट टॉलरेंट है, सूखा सहनशील फसलें हैं। अर्का गरिमा है ये अपने पीछे बात कर ही लिया, पुसा सुकोमल भी एक वैरायटी है। अब अपने बात करें रिकमेंडेशन पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से रिकमेंडेड वैरायटी, जैसे तमिलनाडु के लिए CO6 है,
वाम्बा है, सॉरी वम्बन है, टीओ 5 है, पायोर 1 है, COVU702 है, केरला के लिए कृष्णा मणि है, कनिका मणि है, और आंध्र प्रदेश के लिए पूसा बरसाती, पूसा फाल्गुनी, पूसा दो फसली, GC2, JC5, CO2, CO3, पायोर 1। कर्नाटका के लिए है सुभद्रा KBC2, S488। महाराष्ट्र के लिए है दुर्गा क्रांति, पूसा सवर्णा। मध्य प्रदेश के लिए है पूसा संपदा, जिसको V585 भी बोलते हैं, पूसा रश्मि, UPC9202 और UPC8705, GC3, पूसा 152। गुजरात के लिए है पूसा संपदा और V240, GC5, GC4, GC2, GC3। राजस्थान के लिए है पूसा संपदा, पूसा रश्मि और रंबा, जिसको V240 भी बोलते हैं, UPC9202, UPC8705, UPC607, शुभ्रा, RC101, RC19। बिहार के लिए है पूसा संपदा, पूसा रश्मि, रंबा और P152। और यूपी के लिए है पूसा संपदा, पूसा रश्मि, रंबा, UPC9202, UPC8705, UPC607, शुभ्रा, UPC4200। ये कुछ अलग अलग रीजन के हिसाब से रिकमेंडेड वेराइटियाँ हैं। नेक्स्ट अपने बात करें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, खाद और उर्वरक की, तो FYM 10 to 15 टन पर हेक्टेयर, यानी 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर डालेंगे। नाइट्रोजन 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 40 से 50 किलो प्रति हेक्टेयर, जहाँ जिंक की कमी है वहाँ जिंक सल्फेट 125 किलो प्रति हेक्टेयर दे देंगे। सीड रेट की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, किस लिए लगा रहे हैं, ग्रेन प्रोडक्शन के लिए लगा रहे हो तो 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर, और हरी फलियां उत्पादन के लिए यानी सब्जी के लिए लगा रहे हो तो 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर, चारा उत्पादन के लिए लगा रहे हो, फोडर क्रॉप के लिए लगा रहे हो तो 35 to 40 kg पर हेक्टेयर, और फॉर ग्रीन मैन्योर हरी खाद के लिए लगा रहे हो तो 35 to 40 kg पर हेक्टेयर, मिक्स क्रॉप में लगा रहे हो तो 8 to 10 kg पर हेक्टेयर। जहाँ पे इन्वायरमेंटल एडवर्स कंडीशन होती है वहाँ पे लोग मिक्स क्रॉप लेते हैं, जैसे राजस्थान है या फिर बिहार का फ्लड प्रोन एरिया है, तो वहाँ मिक्स क्रॉप लगाएंगे, किसी दूसरी क्रॉप के साथ लगाएंगे तो 8 to 10 kg पर हेक्टेयर तक अपने सीड रेट रखेंगे। नेक्स्ट बात करें सीड ट्रीटमेंट, जो भी फंगल डिजीज है उनके कंट्रोल के लिए अपने पर केजी सीड को 2 ग्राम फंजीसाइड से, 2 ग्राम फंजीसाइड यानी कवकनाशी से उपचारित करेंगे, और उसके बाद राइजोबियम कल्चर से उपचारित करेंगे। आपको पता ही होगा काउपी के बीजों को राइजोबियम लेग्यूमिनेस सीरम, जो जीवाणु का कल्चर होता है उससे उपचारित किया जाता है। सभी दलहनी फसलों को राइजोबियम कल्चर से करते हैं और काउपी के लिए राइजोबियम लेग्यूमिनेस सीरम काम में लेंगे। प्लांटिंग टाइम की बात करें तो समर सीजन के लिए, ग्रीष्म ऋतु के लिए फेब मार्च होगा, रेनी सीजन यानी वर्षा ऋतु के लिए या फिर मैं बोलूँ खरीफ के लिए तो जून जुलाई होगा। प्लांटिंग डिस्टेंस की बात करें तो 2 तरह की वेराइटियाँ आती है, एक तो स्प्रेडिंग टाइप की आती है, एक से थोड़ी कम स्प्रेडिंग टाइप की आती है जिसको अपने नॉन स्प्रेडिंग बोलते हैं। तो जो स्प्रेडिंग होती है ज़्यादा फैलती है, 45 x 10 cm यानी 45 x 10 cm डिस्टेंस रखते हैं, जो कम फैलती है उनके लिए 30 x 10 cm रखते हैं। दूसरा, जब वर्षा ऋतु में लगाते हैं नमी ज़्यादा होती है पौधा ज़्यादा फैलता है तो 45 x 10 cm रखेंगे। ग्रीष्म ऋतु में पौधा कम फैलता है तब अपने प्लांटिंग डिस्टेंस 30 x 10 रखेंगे, 30 x 10 cm रखेंगे। तो डिपेंड करता है वेरायटी कैसी और सीजन कैसा है, जनरली 45 x 10 cm और 30 x 10 यानी 45 x 10 cm और 30 x 10 cm का डिस्टेंस रखा जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन। देखो इसको काउपी का अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए, अच्छा उत्पादन लेने के लिए 3 से 4 इरिगेशन, 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है, और जो इसकी वाटर रिक्वायरमेंट होती है, जल मांग होती है, वो 300 से 400 mm होती है। और समर क्रॉप लगाएंगे, ग्रीष्म काल में लगाएंगे तो पानी की ज़्यादा जरूरत होती है, तब अपने को 5 से 6 सिंचाई देने की आवश्यकता होती है, ज़्यादातर जल मांग ही पूछी जाती है 300 से 400 mm। नेक्स्ट है वीड मैनेजमेंट, खरपतवार नियंत्रण। देखो खरपतवार नियंत्रण के लिए अपने वीडिंग करेंगे, 2 वीडिंग कर देते हैं, 30 मतलब लगाने के 30 दिन बाद और लगाने के 60 दिन बाद कर देते हैं। और केमिकल कंट्रोल के लिए अपने क्या करेंगे, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन के रूप में तो फ्लूक्लोरिन 1 किलो पर हेक्टर के हिसाब से देंगे, और प्री इमरजेंस के रूप में अपने पेंडा मेथालिन 1 किलो प्रति हेक्टर की दर से देंगे, जिससे खरपतवार नियंत्रण हो जाता है। ज़्यादातर जो दलहनी फसलें होती है सेम के सेम वीडिसाइड अपने काम में लेते हैं। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। देखो हार्वेस्टिंग डिपेंड करता है अपने किस परपज के लिए दे रहे हैं, जैसे अगर अपने ग्रीन पॉड प्रोडक्शन के लिए दे रहे हैं तो 45 से 90 दिन के बीच के अंदर क्या करते हैं अपने उनकी फलियों की तुड़ाई करते हैं। अगर अपने क्या है ग्रेन प्रोडक्शन के लिए ले रहे हैं, दाना उत्पादन के लिए ले रहे हैं,
वैरायटी के अनुसार, किस्म के अनुसार 90 से 125 दिन बाद अपने क्या करते हैं, तुड़ाई करते हैं। और अगर हम फोल्डर पर्पज से ले रहे हैं तो ग्रीन स्टेज में अपने क्या करेंगे, उसको काट लेंगे। जनरली 40 से 45 दिन का जब पौधा हो जाए तब काट लेंगे, फिर उसमें दोबारा से फुटान भी हो जाता है। जैसे जनरली जैसे ग्रीन पॉड के लिए जब उसमें पूरी तरह से दाने नहीं बने, पूरी पूरी फली सब्जी के काम में ले, उस समय अगर सब्जी बनाना चाहते हो तो आप 45 से 60 दिन में ले लो। और अगर आप उसे दाना निकाल के फिर सब्जी बनाते हो तो 60 से 90 दिन के बीच में तुड़ाई करोगे। ड्राई के लिए अपने 90 से 125 दिन ज़्यादातर होता ही है एवरेज। ज़्यादातर जो वेरायटी है वो 90 से 130 दिन के बीच में है, बाकी वेरायटी पर डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी ये बात। नेक्स्ट है यील्ड। ग्रेन की बात करें, दाने की उपज की बात करें, दाल की तो 8 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टर होता है। और हरी फलियों की बात करें, ग्रीन पॉड की बात करें तो 50-80 क्विंटल पर हेक्टर होता है। और ड्राई फोडर सूखे चारे की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा अपने गलत लिख दिया, ग्रीन फोडर की तो उपज होगी 250 से 350 क्विंटल और ड्राई फोडर की जो उपज होगी वो 50 से 60 क्विंटल। थोड़ा देख लेना, ग्रीन फोडर की उपज होगी यानी हरे चारे की, ताज़ा चारे की उपज होगी 250 से 300 क्विंटल पर हेक्टर, और सूखे चारे की ड्राई फोडर की उपज होगी वो होगी 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टर तक। नेक्स्ट अपने बात करें डिजीज की, रोग की, काउपी में लगने वाले डिजीज। बैक्टीरियल ब्लाइट, बैक्टीरियल जो ब्लाइट है वो होता है जेंथोमोनास फेशियोली बैक्टीरिया होता है उसके कारण होता है। ब्लाइट मतलब जैसे झुलसे जैसे इसमें लक्षण प्रकट होते हैं इस तरह से पत्तियों में। जनरली कंट्रोल के लिए अपने फ्री जो डिजीज फ्री सीड है उनको काम में लेंगे, रेसिस्टेंट वैरायटी लगाएंगे। बैक्टीरियल डिजीज है तो अपने प्रतिजैविक जैसे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है या एग्रोमाइसिन है उनका एप्लीकेशन देंगे, एंटीबायोटिक है उनका एप्लीकेशन देंगे जिससे ये डिजीज कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करें एंथ्राकनोज, जिसको हिंदी में श्याम वरण बोल देते हैं, और जो पीछे अपने बैक्टीरियल ब्लाइट था इसको हिंदी में बोलते हैं जीवाणु झुलसा रोग बोल देते हैं। एंथ्राकनोज श्याम वरण रोग है, ये कोलेस्ट्रोब्रिकम लिंडिम्यूटिनियम जो कवक होता है उसके कारण होता है। और इसके नियंत्रण के लिए अपने क्या करेंगे, फंजीसाइड का एप्लीकेशन देंगे। इससे बड़े बड़े धब्बे हो जाते हैं ब्राउन कलर के जो पूरे पौधे पे पत्तियों पे फैल जाते हैं, वैसे कोलेट्रिकम जो फंगस होता है उसके कारण भी होता है ये। नेक्स्ट है कॉमन बीन मोजक या मोजक वायरस रोग अपने इसको बोल दें, एफिड के कारण फैलता है और मोजक के आपको लक्षण पता ही होंगे, येलोइंग हो जाती है। वायरल डिजीज का कोई इलाज नहीं है लेकिन जो इसको ट्रांसमिट करता है फैलाता है जैसे एफिड फैलाता है, तो एफिड के कंट्रोल के लिए अपने इंसेक्टिसाइड डालेंगे। नेक्स्ट है मेजर इंसेक्ट यानी मुख्य कीट, एक तो है फली की मक्खी पोड फ्लाई जिसको बोलते हैं, और दूसरा एफिड, इनके लिए अपने इंसेक्टिसाइड डालेंगे। तो ये काउ पीक अपनी क्रॉप कंप्लीट होती है। अगर दोस्तों वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।